नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकारी हेडलाइन्स, नेहा चौधरी सहित सब महोतारी के राम गोपालपुर में प्रदर्शन, प्रहरी संग झड़प, किछ लोग घायल, नेहा निहारिका के पुलिस पकड़लक। तराई मधेश में ध्वनि संग ठंडी बढ़ल, जनजीवन प्रभावित। चुनावक समय प्रचार के लिए साटल गेल पर्चा पंपिट, जेहने के तेहने उम्मीदवार सब सफा निकलक। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनक परिणाम राष्ट्रपति भंडारी समक्ष बुझाओल गेल। बाराक्ष विश्रामपुर में एक गोटे के हत्या अनुसंधान जारी। आप समाचार विस्तार से। महतरी के रामगोपालपुर नगर पालिका में नेहा चौधरी सहित प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प भेल। बृहस्पति दिन भेल झड़प में पड़ि कर सुरक्षाकर्मी सहित छह गोटे घायल भेल। अगहन 26 गते घरेलू हिंसा मुद्दा में जिला अदालत महतरी संरक्षणात्मक आदेश के बाद और ही नगर पालिका एक अपन नहिरा से रामगोपालपुर घर घूरल। नेहा चौधरी प्रवेश नहीं पौने विषय के लकर शुरू भेल आंदोलन झड़प के रूप लेने छल। निहारिका सिंह राजपूत के नेतृत्व में नेहा श्रीमान डॉक्टर पंकज चौधरी घर के दुहार पर धरना बैसल छल। नेहा पंकज के घर में प्रवेश कर मिलबाक मांग करत निहारिका के नेतृत्व में बुध दिन से किछ युवा सब के समर्थन में रामगोपालपुर चौक में सड़क अवरुद्ध करत आंदोलन में उतरल छल। बृहस्पति दिन आंदोलनकारी रामगोपालपुर नगर पालिका में पत्थरबाजी केला पर दू गोटे सशस्त्र प्रहरी, एक गोटे नेपाल प्रहरी आ तीन गोटे नगर प्रहरी घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जनौलक अछि स्थिति के नियंत्रण में लेबा प्रहरी 5 राउंड अश्रु गैस प्रहार केने। एसपी कृष्ण पंगेनी जानकारी देने अछि। डॉक्टर पंकज चौधरी के नियंत्रण में लकर नेहा के दहेज मुद्दा पर और अनुसंधान कर रहल समय अनावश्यक आंदोलन कैने तथा नगर पालिका में तोड़फोड़ आगजनी कने आरोप में प्रहरी नेहा चौधरी आ निहारिका राजपूत के समेत नियंत्रण में लेलक अछि। एखन स्थिति नियंत्रण में आयल एसपी पंगेनी जानकारी देने अछि। एहि बीच रामगोपालपुर नगर पालिका विज्ञप्ति जारी करत नगर पालिका में पत्थरबाजी तोड़फोड़ आगजनी कऽ क्षति पहुँचौने तथा पत्थरबाजी से कर्मचारी समेत घायल भेला से आंदोलन के नेतृत्वकर्ता निहारिका सिंह राजपूत आ नेहा चौधरी पर कार्यवाही तथा क्षतिपूर्ति भराब लेल मांग कैलक अछि। महतरीक और नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के नेहा चौधरी के 9 महीना पहिने रामगोपालपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के पंकज चौधरी से विवाह भेल छल। विवाह पश्चात नेहा चौधरी के श्रीमान पंकज चौधरी शारीरिक यातना, बेर बेर मारपीट कने तथा घर से निकालने आरोप में देल गेल मुद्दा एखनो विचाराधीन रहल अछि। तराई के जिला में ठंडी बढ़ला बाद जनजीवन प्रभावित होइत जा रहल अछि। बीतल किछ दिन से लगातार के शीतलहर, हवा बिहार आ ध्वनि के कारण जनजीवन संगे मालजाल आ खेत के बाली सेहो प्रभावित भेल अछि। ठंडी के कारण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोक सब के चहल पहल में कमी आयल अछि। ठंडी बढ़ला संगे बाजार में गर्म कपड़ा के बिक्री सेहो बढ़ि गेल अछि। तहिना हाट बाजार में लोक सब के उपस्थिति कम देखल जा रहल अछि। ठंडी के कारण बच्चा, वृद्ध वृद्धा आ प्रसूति महिला में सर्दी, खोखी, बुखार, दम लगायत के समस्या देखल जा रहल अछि। ग्रामीण क्षेत्र में ठंडी से बचबाक लेल स्थानीय सब आगि ताप लागल अछि। ठंडी के कारण ग्रामीण क्षेत्र में मालजाल तथा तरकारी बाली में असर पड़ित अछि। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक चुनाव सम्पन्न भेला 3 सप्ताह से बेसी भ चुकल अछि, मुदा धार्मिक पर्यटकीय नगरी जनकपुर धाम में चुनाव प्रचार प्रसार के क्रम में विभिन्न ठाम में साटल गेल पर्चा पंपलेट आ बैनर उम्मीदवार सब नहि हटौने अछि, जाहिसँ जानकी मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थान के देवाल सब एखनो कुरूप देखल जा रहल अछि। सोनू साह के स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शक भी नमस्कार, स्वागत है अपन टेलीविजन में। हम सब उपस्थित भगल छी माता जानकी मंदिर के प्रागण के अगारी में। दर्शक भी अपने सबके देखाबे जा रहल छी। हम सब कहल जाए तो चुनाव भेला 3 हफ्ता से बेसी भ चुकल छै। अगहन 4 गते के चुनाव छल, जब सबके जानकारी कराएब प्रत्येक उम्मीदवार के अपन अपन हक अधिकार छल अपन चुनाव में चुनाव से पहले प्रचार प्रसार करे के। ई निर्वाचन आचार संहिता तोकले छल। प्रत्येक उम्मीदवार अपन से अपन अपन जे कहल जाए प्रचार के सिलसिला में प्रत्येक देवाल पर, प्रत्येक ठाम ठाम पर अपन अपन फोटो टसले छल। उम्मीदवारी फलाना छाप फलाना पार्टी से हमसब उम्मीदवार दिल से जे बात कह के प्रचार प्रसार कैले छल। तै लेके ओकर सबके प्रचार प्रसार करके समाप्त भ गेल छल। जे अगहन 4 गते चुनाव से पहले एक दिन पहले रहल ओकर सबके समाप्त हो गेल, कई के बाद अपने से प्रचार प्रसार नहीं कर सकै छी। लेकिन उहे उम्मीदवार सब जे सब जनकपुर धाम के
फोहर मुक्त कही कि जे अभियान चलेले छल अथवा अपन अपन प्रतिबद्धता पत्र में सार्वजनिक कैले छल कि हम सब जनकपुर धाम के फोहर मुक्त बनाए। उहे उम्मीदवार सब आई जनकपुर के फोहर करे में कोनो प्रकार के कमी नहीं छोले आ वही माता के देखियो दर्शन वही माता के नगरी के आई फोहर बनाबे में उम्मीदवार सब कोनो प्रकार के कमी नहीं छोले हब। दर्शक बिन ई दृश्य अपने सब देख रहल छी जानकी मंदिर के पार्क के अगाड़ी के दृश्य छै जे उम्मीदवार सब अपन जनकपुर धाम सन प्रसिद्ध छाव के जानकी माता सन मंदिर के प्रसिद्ध छाव के नहीं छोड़लक है ग्रुप बनाबे में फोहर में परिवर्तन करे में त अगाड़ी जाके उम्मीदवार सब की करते जे हमरा सोच सकती। दर्शक बिन ई देख रहल छी अपने सब प्रत्येक ई जानकी मंदिर के एहन कोनो ठाव नहीं छै जेकरा छोड़ले हेतै प्रत्येक अगाड़ी पछाड़ी दायाँ बायाँ सब तर से ओकरा से ग्रुप बनाबे के कोनो कमी नहीं छोड़ले छै। देखियौ फोहर में पूरे जानकी मंदिर के परिवर्तन कर देलकै अइ के जिम्मेवारी के हेतै जब ई प्रचार प्रसार करे में उम्मीदवार सटले छै त के सर सफाई के करते जे हम अहाँ सोच सकै छी। जनकपुर धाम कहल जाए तो पोखरी के मामला में भी जे प्रख्यात रहल छै जनकपुर धाम सबसे बेसी नेपाल में अधिक सबसे बेसी पोखरी रह वाला शहर के रूप में रहल जाए तो कहल जाए जनकपुर धाम अभी छै। आई हम सब वही जनकपुर धाम के पोखरी सब में से सबसे प्रख्यात पोखरी गंगा सागर के मुहार स्थित हम सब उपस्थित भेल छै जोकर चुनाव भेला बाद ओकरा सबके सर सफाई करे काम रहै छै लेकिन कोनो प्रकार के यहाँ के सर सफाई देखल जाए तो नहीं भ रहल छै आ नहीं कैले छै उ सब। तो जहिना उ सब अपने के प्रचार प्रसार कर के लेल पोस्टर लगेल के बैनर लगेल के उ चीज सब के चुनाव खत्म भेला के बाद ये सब के फिर निकलवाओ पड़े निकाल दिल के सफा लगते जनकपुर देखे में सुंदर लगते जनकपुर ऐ चलते उ सब हटाओ पड़े नेता सब को आकर्षित ध्यान द के ये सब सर सफाई करवाओ पड़े कि चाहे स्थानीय तह के चुनाव हो चाहे प्रदेश के हो चाहे संघ के चुनाव हो चुनाव के दरमियान में पूरा जनकपुर के अहाँ के फोहर बना दिल के अहाँ के प्रत्येक पार्टी सब स्वतंत्र हो चाहे पार्टी विशेष के प्रतिनिधि सब हो है ना चाहे उम्मीदवार सब हो मान लू हम कहे चुनाव जीतला के बाद में तो चल तो गेली लेकिन फोहर जो कैली अहाँ पोस्टर साइट के पंपलेट साइट के प्रत्येक पार्टी के हम पदाधिकारी के हो चाहे केंद्रीय पदाधिकारी हो चाहे जिला हो चाहे नगर के हो सब पदाधिकारी के जिम्मेवारी हो अहाँ पोस्टर पंपलेट पर्चा सब सटे देवाल में लेकिन उ चीज सब जे से जितला के बाद में अहाँ के जिम्मेवारी बनी छे ना कि वही चीज सब के साफ सुथर रख के ये तो बढ़िया तो नहीं लगे है ये जब सटल के वाला तो जब हार गए या जीत गए हटा दिए चाहे ना वो अखन तक कैंडिडेट सब से हटाब के या सफाई कर के अह पर कोनो कैंडिडेट के ध्यान नहीं गलन जै के चलते जनकपुर के जे छै से एकटा माहौल ई देखऽ में आले जे ई प्रदेश के नाम हँसी भ रहल छै जे एहिठाम अहिना चलै छै कहि कऽ से नहि होना चाही। साफ करनाइ एकदम उचित बात है जते जल्दी होइ ओते मतलब जल्दी साफ कऽ दे। बागवानी के देवाल जे कहल जाए बाउंड्री छै अतहु के दृश्य देखल जाए अपने त तेहने छै जेहन जानकी मंदिर के छल जेहने गंगा सागर के छल तेहने जबकि पर्यटक सब के ई मुख्य सड़क छै अइ बाटे देश विदेश के पर्यटक सब अबै छै जनकपुर धाम जबकि कहल जाए त उम्मीदवारो सब अहि रोड ध के अहि बाटो ध के उ सब जनकपुर जाय छै विजिट में जाय छै अपन कार्यालय में जाय छै अपन नेता सब से भेंट घाट कर जाय छै अतः किस कर जाए प्रत्येक उम्मीदवार के काम पड़े इहे सड़क सब प्रयोग करे छे लेकिन तैयो ओकर सबके नजर अपर नहीं जाए कि वास्तव में अके ग्रुप बनैली हम तक सर सफाई के करते अके फोहर कैली हम तो सर सफाई के करते जोका सबके अखनो उत्साह नहीं है। दर्शक बिन हम सब अपने के यहाँ के स्थानीय सब से भी बात करेली तो ओकर सबके इहे कहनाम छे जते जल्दी हो तते जल्दी हटाएल जाए के सर सफाई कल जाए तो निक रहते कैलाकि अत्यक बहुत जगह से
पर्यटक सब जनकपुर धाम में अभी है तो सब की चाँसो लेके अभी कि हम सब यहाँ के निक निक चीज देख सर सफाई जनकपुर पहले से परिवर्तन भेल है लेकिन यहाँ अल के बाद यह अनुभव हो कि जेहने छे जनकपुर तेहने अखनो उ सब रीजन है उम्मीदवार सब उम्मीदवार सब फोर करे में कोनो कमी नहीं छोले जब अपने सभी प्रत्यक्ष दृश्य में देख रहा एतबे कहित हम सब अपने सब विदा लेबे चाहे कैमरामैन सुमित कुमार के साथ सोनू कुमार शाह जनकपुर धाम अपन टेलीविजन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका करार में कर्मचारी मांग कलक उपमहानगरपालिका बृहस्पति दिन निकालने विज्ञापन में 11 पद के लिए करार कर्मचारी मांग कने जाय अनुसार कृषि अधिकृत पशु चिकित्सक रोजगार संयोजक कार्यक्रम संयोजक सूचना प्रविधि अधिकृत रोजगार सहायक आप्रवासी स्रोत केन्द्र परामर्शकर्ता मनोसामाजिक परामर्शकर्ता वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता आ रिटर्नी स्वयंसेवक पद में दरखास्त आह्वान कल गए। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 के परिणाम बुझौलक बृहस्पति दिन भिनसर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितक पदाधिकारी सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष अगहन 4 गते सम्पन्न भेल निर्वाचनक अंतिम मत परिणाम के विवरण बुझौलक निर्वाचन आयोग मत परिणाम राष्ट्रपति के बुझौने संगे नया सरकार गठनक लेल रास्ता खुज गए निर्वाचन आयोग बुध दिन निर्वाचन के सब परिणाम घोषणा केने छल निर्वाचन के मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस 89 सीट प्राप्त केने त एमाले 78 सीट नेकपा माओवादी केन्द्र 32 राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 20 राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 14 जनता समाजवादी पार्टी 12 नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 10 जनमत पार्टी 6 लोकतांत्रिक समाजवादी 4 सीट जीत सफल भेल 275 सीट रहल प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस पहिल दल नेकपा एमाले दोसर दल माओवादी केन्द्र तेसर दल के रूप में जीतल तेन नया शक्ति के रूप में रवि लामिछाने नेतृत्वक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आ जनमत पार्टी से हो राष्ट्रीय पार्टी बनल निर्वाचन में जम्मा 70 मत के 10% से कम मत आनवला 4285 गोटे उम्मीदवार सबके धरोटी रकम जफत भेल नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी पार्टीक शीर्ष नेता सब संगे के भेटघाट कोनो पद प्राप्ति के लेल नहीं भेल बतौलन नेता केसी वर्तमान राजनीतिक वस्तु स्थिति के विषय में अपन पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत तक शीर्ष नेता सब संगे के भेंट केने बतौलन ओ एखनक राजनीति स्थिति चुनौतीपूर्ण रहल कहित जनमानस में आयल नकारात्मक धारणा के कोना समाधान क आगा बढ़ सकबाक विषय में नेता सब संगे भेटघाट केने आ आगा बढ़ाओल गेल बतौलन अनुगत परिस्थिति में आने यात्रा चाहिए एउटा चुनौतीपूर्ण यात्रा छ जनमानस में चाहिए जो किसिम को सेंस अफ एपैथी भाला अथवा यो नेगेटिव धारणा किसी अखनोक परिस्थिति के नया रास्ता देव सत्य आ विवेक के आवाज भ्रष्टाचार विरोधी आवाज विधि विहीनता विरोध के आवाज सुशासन स्थापना कर लेल संसद में अपना निक सांसद के रूप में काज करबाक बतौलने नेता केसी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में अगिलका सरकार बनेबाक सेहो दावी कलन ओ निर्वाचन में जनता के बीच में कने प्रतिबद्धता सबके पूरा कर गठबंधन के स्थायित्व आ स्थिरता देबाक प्रतिबद्धता एखने आवश्यकता भेल बतौलने नेता केसी पार्टी भीतर नीति नेतृत्व कार्यशैली विधि व्यवहार के परिवर्तन क नया विश्वास आशा जगेबाक परिवेश निर्माण कयल जेबाक एखन के आवश्यकता भेल बतौलन नेता केसी पछिलका समय नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता सब संगे भेटघाट केने छलथि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ सहकारी में समस्या रहल कहित गलत रूप से प्रचार कयल गेल कहित आपत्ति जनौलक बृहस्पति दिन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति के कार्यालय काठमांडू में आयोजना केने प्रगति समीक्षा तथा सहकारी सुशासन बुलेटिन विमोचन कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री श्रेष्ठ एहन धारणा रखलन ओ सहकारी में भेल समस्या से बेसी समस्या जेहन बनाकर सहकारी के समस्या सब प्रचार प्रसार कयल गेल आ प्रचारबाजी में बेसी केन्द्रित देखल गेल बतौलन गर्ने कसले गर्ने भन्ने यी सबै कुराको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ तर समस्या आएको छ म अहिले पनि यहाँ सबैको चाहिँ अगाडि भन्न चाहन्छु र
यो लोकप्रिय संचार माध्यमको अगाडि भन्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठ सहकारी के माध्यम से देशमै रोजगारी सृजनाका विदेश पलायन भरहाल युवा शक्ति के नेपाल में राखल जेबाक अपरिहार्य आवश्यकता रहल बतौलने। मन्त्री श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय द्वारा भूमि संबंधी एकीकृत कानून निर्माण करबाक प्रयास भेल बतौलने। बारह में एक युवक के शव भेटल। विश्रामपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 5 इटियाही में पोरा से झांपल अवस्था में जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 10 रहवला 22 वर्षक सूरज शाह कानू के शव भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय बारह के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविंद्र बोगटी तार से पैर बांधल आ टी शर्ट से मुँह झांपल अवस्था में कानू के शव भेटल जानकारी दिलन। घटनास्थल जांच मुचुलका क सब पोस्टमार्टम के लिए कलिया अस्पताल में पठाओल गेल। प्रहरी जनौलक प्रहरी हत्या घटना में दू गोटे के संलग्नता भ सकबाक आशंका के आधार में अनुसंधान आगा बढ़ौने। वैदेशिक रोजगार के सिलसिला में कतार में मृत्यु भेल एक नेपाली के पार्थिव शरीर के उद्धार कर स्वदेश भेजल गेल। जनमत पार्टी के कतार स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर आवासीय मधेशी संघ महतरी औरही नगरपालिका वार्ड नंबर 9 सोनामाई के 41 वर्षक मदन मंडल के पार्थिव शरीर के उद्धार कर स्वदेश भेजलक। मंडल 10 वर्ष करार में काम करत आबि रहल छलन। ओ रेड के अलमाना कंपनी में काज करत आबि रहल छलन। हुनक हृदयघात के कारण मृत्यु भेल संघ जनौलक। जनमत पार्टी के भातृ संगठन अंतर्राष्ट्रीय गैर आवासीय मधेशी संघ कतार शाखा के प्रयास आ नेपाली दूतावास के समन्वय में उद्धार कयल गेल। ओहि क्रम में संघ के अध्यक्ष विजय कुमार यादव महासचिव राम सुमान यादव कोषाध्यक्ष नंद कुमार ठाकुर लगायत उपस्थित रहल। संघक केन्द्रीय संयोजक राजू यादव जानकारी दिलने। काठमांडू क्षेत्र नंबर 2 से नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतम काठमांडू के मौलिकता के पुनः जीवित करब आवश्यक रहल बतौलन। बृहस्पति दिन काठमांडू महानगरपालिका के 28वां महानगर दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत प्रतिनिधि सभा सदस्य गौतम काठमांडू महानगरपालिका अपन मौलिकता गुमबैत जा रहल बतौलने। ओ महानगरपालिका गुमौने मौलिकता के पुनः जीवित कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलन। वही के लेल अपना हर संभव प्रयास करबाक हुनक कहब छलन। समय समय बढ्दै जाँदाखेरि समय क्रम अनुसारले कति कुराहरू कमाएको छ कति कुराहरू गुमाएको छ। कमाएका कुराहरू त राम्रै होलान् तर कति कुराहरू गुमाएको छ कति मौलिकताहरू गुमाएको छ। तर ती मौलिकताहरूलाई अब पुनर्जीवित गर्नको निम्ति यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। वो देश विकास के लिए महानगरपालिका संगसंगे पूरे देश के मौलिकता के पुनः जीवित कयल जेबाक आवश्यकता रहल में जोर देने छलन। काठमांडू महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह महानगर से डबली सभ्यता के पुनः जागरण करबाक बतौलने। बृहस्पति दिन काठमांडू महानगरपालिका के 28वां महानगर दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत प्रमुख शाह महानगरपालिका काठमांडू उपत्यका भीतर डबली सभ्यता के पुनः जागरण कर लागल बतौलने। ओ उपत्यका भीतर रहल डबली सबके जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब कर प्रयोग कयल जेबाक बतौलन। ओ काठमांडू उपत्यका के मौलिक सभ्यता आ सम्पदा सबके पुनर्जागृत कयल जेबाक आवश्यकता में जोर देने छलन। काठमांडू महानगरपालिकाले यो 7 दिन एउटा सप्ताहव्यापी हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरूलाई एउटा संक्षिप्त रूपमा एउटा सिम्बलको रूपमा देखाउन चाहेको छ। उदाहरणको रूपमा हामीले हाम्रो डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्ति पशुपतिमा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा उपत्यकाभरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभरि र उपत्यकाभरि विभिन्न ठाउँ स्थानहरूमा डबलीहरू रहेका छन् जसको प्रयोजन साङ्गीतिक कार्यक्रमदेखि लिएर नाटक मञ्चन सबैको लागि हुने गर्दथ्यो। प्रमुख शाह काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्र सेवा प्रवाहकै डिजिटलाइज गर सुरु कयल गेल बतौलने। ओ शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतक क्षेत्रमै पड़ोसी पालिका सब आ सब तरहक सरकार सबसँगै सहकार्य करैत आगा बढ़बाक बतौने छलन। ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलने। बृहस्पति दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाकै 28वां महानगर दिवसके अवसरमे आयोजित कार्यक्रममे हो उपत्यकामा मेट्रो चलाव काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अपना सब सहकार्य करके लिए तैयार रहल स्पष्ट कयलने। तहिना ओ ललितपुर महानगरपालिकामे अपनो साइकिल लेन बनाउने कहितो लेनके काठमाडौँ महानगरपालिका होइत शिवपुरी पहाड धरि जोड़बाक प्रस्ताव कयलने। इन्डिपेन्डेन्टली अर्थात् स्वतन्त्र रूपले आफ्नै बलबुत्ताले
सब पालिका में छुने किसिम को अर्थात एउटा मेगा प्रोजेक्ट करना गाह्रो पर्छ। मैले यसलाई कोट्याउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरीद ऐन 2063 के आमूल सुधार करब आवश्यक रहल बतौने छलैन। एहि बर्षक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूप में मनाल जा रहा है। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 में मनाल जाए वाला अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी श्रमिक दिवस के वर्ष हो सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल है। बृहस्पति दिन अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी श्रमिक दिवस 2022 मूल समारोह समिति पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करित डिसेम्बर 16-22 तारीख धरि सप्ताहव्यापी रूप में अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाव लागल जानकारी करौलक। मूल समारोह समिति के संयोजक तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव एक नारायण अरियाल सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारी के लिए सरकार वाला सबके सचेतना अभिवृद्धि करवाक उद्देश्य से आप्रवासी श्रमिक दिवस के सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल धारणा रखलन। मात्र वैदेशिक रोजगार मर्यादित एवं सार्थक हुन सक्दछ। यसरी सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारी का लागि सरकार वालाहरुमा चेतना अभिवृद्धि करने उद्देश्य विगत का वर्षहरुमा जस्तै दिवसक लेल विभिन्न नारा सब सेहो तय कयल गेल अछि। प्रदेश सरकार आ स्थानीय पालिकाक अगुवाई में जिला स्थित विभिन्न सरकारी निकाय सब वैदेशिक रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संघ संस्था सब सब राजनीतिक दल नागरिक समाज गैर सरकारी एवं निजी संघ संस्था सब ट्रेड यूनियन संचार क्षेत्र आ प्रवासी श्रमिक तथा हुनका सबक परिवार समेत के सक्रियता में कार्यक्रम हेबाक सचिव अरियाल जानकारी दिलन। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर दामोदर रेग्मी सहकारी में देखल गेल समस्या सुधार नै केला धरि सरकार चाहने जेहन अर्थतंत्र के चलायमान कराब चुनौती रहल बतौलने। बृहस्पति दिन मंत्रालय में समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति प्रकाशित केने सहकारी सुशासन बुलेटिन के विमोचन कार्यक्रम में सचिव रेग्मी एहन बतौलन। ओ सहकारी सबक संस्कृति बिना सहकारी में देखबाक समस्या निराकरण कर आ सहकारी में देखल गेल समस्या सुधार नै कर धरि सरकार चाहने जेहन अर्थतंत्र के चलायमान कर चुनौती रहल बतौलन। ओ सहकारी तथा सरकार वाला निकाय सब कम्फर्ट जोन नै छोड़बाक कम्फर्ट जोन में बैस के सहकारी सबक प्रगति नै हेबाक बतौलन। हामी संस्थागत संरचना धेरै भन्छ, मैले नेगेटिभली भन्न खोजिरहेको छैन, हाम्रो प्रवृत्तिको मात्रै कुरा गरेको। हामीले धेरै संस्थागत संरचना खुब संस्था खडा गर्छौँ। एउटा उखान के छ भन्दाखेरि धेरै बिरालो भयो भने फेरि मुसा मार्दैन। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष काशीराज दाहाल प्रचलन में रहल सहकारी संबंधी एन आ कानून सब पुरान भेला से ऐके समयानुकूल बनाब आवश्यक रहल बताने छले। अब आज हम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति के बारे में संस्था दुईटा रोल में अभी हो एउटा हट आइरन के रूप में होने पर्चा देख तर्सन पर्यो। अब ओ एखन चल रहल सहकारी एन के आर परिमार्जन क के समय अनुकूल बन कानूनी कानून बनाब आवश्यक रहल धारणा रखने छलन। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर बृहस्पति दिन राजीनामा देलन। नेपाल क्रिकेट संज्ञान बृहस्पति दिन मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर राजीनामा देने जनौलन। नामीबिया भ्रमण पूरा क के ओम्हरे से भारत प्रस्थान केने भारतीय प्रशिक्षक प्रभाकर देने राजीनामा स्वीकृत भेल जनाओल गेल। तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दशा नायक के राजीनामा दिला के बाद अई बरखक साउन में प्रभाकर नेपाली टोली के प्रशिक्षक में नियुक्त भेल छले। प्रभाकर के प्रशिक्षण में नेपाल भर्खरे नामीबिया में संपन्न आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 के 4 खेल में से सब खेल में नतीजा सौंपने छल। ऐसंगे नेपाल के विश्व क्रिकेट लीग डिविजन 2 के शीर्ष तालिका 3 भीतर रह कठिन भेलै छ। नेपाल नामीबिया संग 1 आ स्कॉटलैंड संग 2 हार भोगने छल आ एकटा नामीबिया संगे के खेल बरसात के कारण रद्द भ गेल छल। ई हार के बाद नेपाल के शीर्ष 3 में रहबाक संभावना अंत भेल छल। 7 राष्ट्र में से 24 खेल में मात्र 18 अंक जोड़ने नेपाल छठम स्थान में अछि। शीर्ष स्थान के स्कॉटलैंड 32 खेल में 46 अंक अछि त दोसर स्थान के ओमान के 36 खेल में 44 अंक अछि। तेना तेसर स्थान के नामीबिया 30 खेल में 37, चारिम स्थान के अमेरिका 36 खेल में 35 आ पाँचम स्थान के यूएई 26 खेल में 27 अंक अछि। सातम स्थान के पपुआ यूगेनी के 28 खेल में 5 अंक अछि। जनकपुर धाम जेसी विभिन्न कार्यक्रम का जेसी सप्ताह मनौलक अछि।
जैसी सप्ताह के अंतिम दिन बृहस्पति के जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सांसद सुरीता शाह जेसिस के आवश्यक सहयोग करबाक बहुत रहने ओ जेसिस करैत आयल काज के प्रशंसा समेत कयने छली। और सहभागी सब युवा सब में व्यक्तित्व के विकास कर जेसिस महत्वपूर्ण योगदान करते आयल बतौने छे। जेसिस किछे दिन में नया नेतृत्व चयन कर लागल से कार्यक्रम में जानकारी देल गेल छल। के संस्था के मूल मोटो वी सर्व छे, लेकिन एक साथ है अपना सब के हमर जेसिस साथी के नवा युवा युवती के व्यक्तित्व के निखार लाबा के और संस्था के साथ के प्रति अपना सबके सचेत रह पड़े और अहाँ अपन व्यक्तित्व में निखार कम मात्र ला सकते जब जेसिस के विभिन्न एक्टिविटी में अहाँ सहयोग होबे सहभागी होबे। वनस्पति लुकेको छैन, यस वर्ष जेसिस में धेरै माथि र तल धेरै उतार चढ़ाव भएता पनि आज जेसिस को यो दिसंबर 30 सम्म को जो कार्यकाल हुन्छ त्यस मध्यमा जेसिस सप्ताह हुँदै गर्दा जेसिस सप्ताह को समापन र साथ साथ ही दुई चार दिन पछाड़ी वार्षिक शाखा अधिवेशन भी होना गई रह जिसबाट नया नेतृत्व को चयन होना गई रह इस वर्ष का नेता एवं संपूर्ण कार्य समिति परिवार अपना तितो मीठो अनुभव सब भूल। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत कैल गेल स्लो बाइक रेस क्रिकेट खेल सहितक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट भेल खिलाड़ी सबके सम्मान कैल गेल छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम जेसिस के अध्यक्ष राजकुमार शाह, जेसिस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज शाह, चंद्रभूषण यादव लगायत तक सबके उपस्थिति छलन। आब स्पोर्ट्स न्यूज नेपाल भलीबल संघ में नया नेतृत्व अयलाक बाद नेपाल पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता जनाब रहल अछि। बंग्लादेश के ढाका में पुष पहिल सप्ताह से आयोजना होबय लागल काभा अंडर 23 पुरुष भलीबल चैंपियनशिप के एखन युवा टोली तैयारी के साथ तीव्रता दे रहल अछि। चारि टोली के सहभागिता रहल प्रतियोगिता में सहभागी होबय वाला टोली के मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट प्रशिक्षण कराब रहल अछि। बंग्लादेश के ढाका में पुष 5 गते से 11 गते धरि काभा अंडर 23 प्रतियोगिता आयोजना भ रहल अछि। वही प्रतियोगिता के लिए नेपाली टोली त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर्ड हॉल में तैयारी कर रहल अछि। नेपाली टोली 2 शिफ्ट में अभ्यास कर रहल मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट बलिया मजबूत टोली विरुद्ध नेपाल प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलबाक विश्वास व्यक्त कयने छ। तपाईले हामीले जुन 1.5 महिनाको टाइम ड्युरेसनमा हामीले दुई टाइम ट्रेनिङ गरेर 7-7 घण्टा दैनिक ट्रेनिङ गरेर जुन कम टाइममा पनि यिनको इफोर्ट र जुन मेन्टल प्रिपरेसन गरे त्यो चाहिँ एभरेजको हिसाबले धेरै माथि छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अहिले एक सप्ताह धरि आयोजना होयबाक प्रतियोगिता तालिका सार्वजनिक समेत भ चुकलै। सार्वजनिक भेल तालिका अनुसार नेपाल उद्घाटन खेलमे आयोजक बंगलादेश सँग खेलत। एखन बन्द प्रशिक्षणमे रहल टोलीमे सबल आ दुर्लभ सब रहल आ सबल पक्षके भरपूर सदुपयोग करैत प्रतियोगिता में नेपाली टोली अगाड़ी बढ़बाक हुनक विश्वास अछि। चारि टोली सहभागिता जनेबाक प्रतियोगिता राउंड रोबिन लीग के आधार में संचालन होयत। पहिल खेल नेपाल बंगलादेश संगे खेलत। लीग के दोसर खेल 8 पुष में श्रीलंका संग तथा 9 पुष में किर्गिस्तान संगे होयत। चारि टोली के मात्र सहभागिता रहला से सब टोली सेमीफाइनल में पहुँचत। जाहि अंतर्गत शीर्ष टोली नीचा रहवला टोली संगे फाइनल प्रवेश के लेल प्रतिस्पर्धा कला पर दोसर सेमीफाइनल खेल दोसर आ तेसर स्थान के टोली बीच होयत। नेपाल कमती में समय तेसर भेल अवस्था में मेडल हाथ पारत। सेमीफाइनल 10 पुष में होयत त फाइनल 11 पुष में होयत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से नेहा चौधरी सहित सा महतारी के रामगोपालपुर में प्रदर्शन, प्रहरी संगे झड़प, किछ लोक घायल, नेहा आ निहारिका के समेत पुलिस पकड़लक। तराई मधेश में ध्वनि संगे ठंडी बढ़त जा रहा, जनजीवन प्रभावित। चुनाव के समय प्रचार प्रसार के लिए टाँसल गेल पर्चा पंपलेट बैनर ओहने, उम्मीदवार सब सफा नहीं कलक। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष बुझाओल गेल।
बारा के विश्रामपुर में एक गोटे के हत्या, अनुसंधान जारी। अपन न्यूज एखन के लिए लेते पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।